इतना बड़ा वक्ता नहीं हूं जितना कि मैं खड़वा मारे, लेकिन जो जिनवाल जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं बहुतों से, मैं आज का इस संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हूं, हमारे साथी हमारे बीच से चले भी गए, जैसे कटारिया जी थे, राय सिंह जी और बहुत से पदाधिकारी जो है जो हमारे इस उम्र में थे, आज हम थोड़ी उम्र में नहीं है, वैसे टाइम का भाव है। और मैं तो आपको एक ही बात, मैं तो बड़ा अपना सौभाग्य समझ रहा हूं कि मुझे बोलने का कांवरिया जी ने मौका दिया, लेकिन मौका तो है, थोड़ी सी दर्द की बात होगी। हम नेता बनने के लिए तैयार हैं, हमारी यूनियन के पास कोई पैसा जरूर नहीं है कि जो हम गाड़ी या और कुछ या हम लेकर के आ जाए, इतना हमारे संगठन के पास पैसा नहीं है। और अभी मैं पढ़ रहा था उसमें 10 रुपये या 50 रुपये, अरे छोड़ने भी ना दे 50 रुपये, शर्म की बात। इतने पढ़े लिखे मैं देखा हमारे साथ के पास है, आप तो एम ए बी ए, कोई कुछ है कोई कुछ है, थोड़ा सोच को बढ़ा। और रहा क्रांति की बात, जब तक आप थोड़ी बात कहूंगा मैं उसके बाद, जब तक सारे जितने अध्यक्ष हैं, कोई हरियाणा का है, कोई राजस्थान का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई महाराष्ट्र का है, वो अध्यक्ष एक ऐसा जन समूह इकट्ठा करे जो दिल्ली के अंदर चाहे सरकार कोई भी हो उसको हला दे। आप लोगों का भला होगा। हमने राज्यपाल गौतम जी से भी अर्ज किया था कि आप जब तक जनता मंच भी नहीं जोड़ोगे जब तक आपका दबदबा नहीं बढ़ेगा, और वही किया उन्होंने, होता है इतनी जनसंख्या थी कि वहां दल गिरने के लिए जगह नहीं थी, हम वहां थे। मैंने तो ऐसे ही हम देखिए इतना महंगा हॉल है, इसके काबिल नहीं थे, लेकिन जिनवाल जी की मैं बड़ी मेहर समझ रहा हूं, हमें ये आदर का स्थान दिया। और आप लोग कुछ समझें, कुछ करें, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, जीती जीते, ये बाबा साहब का मंत्र था। हमने बाबा साहब अपनी शक्ल से देखा है, हमने संभावना में रामेश्वर थे, एमएलए भी पीएचडी भी फोटवा रामेश्वर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक सम्मेलन किया था दूर में, और उस सम्मेलन में ये रखा गया था कि कितने दलित इकट्ठे हों, और ये चाहे सरकार हो किसी की भी थी, सब जानते हो कि वे संभावना में किसकी सरकार थी। वो चार दिन के बाद 10,000 आदमी इकट्ठा हो गया, बाबा साहब ने माइक पकड़ा और आंसू की बहारें आई, उन्हें कहा कि मैं क्या भाषण दूं, जब जनता जागते नहीं सोए हुए तो जगा दे, मरे हुए क्या जगाओगे भाई। तो देखिए आप जगिए, अरे इतना जगिए कि आपका कोई भी सरकार हो, है माने अनुसूचित जनजाति का संगठन, मैं जिनवाल जी से अर्ज करूंगा कि आप एक अनाउंसमेंट करें कि कब हमें जेल जाने का मौका मिले, गोली लेने का मौका मिले, हमें जिनवाल जी आगे उठे इस माध्यम से दे। ठीक है, मानते हैं कि भी भाषण देना पड़ेगा, जनता बहुत होशियार, आज किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, शर्म भय निकालने की जरूरत है, रहने की जरूरत नहीं है। जैसे जिनवाल जी ने हमारी मांगी थी,
बड़ी अच्छी मांगी में पढ़ रहा था, लेकिन जब तक हमारा अलग से बैंक नहीं होगा, अलग से हमारी मिनिस्ट्री नहीं होगी, कमीशन तो बना दिया मांगा, लेकिन हमारे गरीब समाज में एक ही चीज रहेगी, अखबार पढ़ लेते हैं ये सूरियत ये सूरियत ये सूरियत। अरे वो सूरियत कहां है, कहां है? बड़े शर्म और संकोच की बात है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा। सन 47 से आज तक हमें गुमराह किया गया, बेकारा झूठ बोली। जी बात से फिर कह रहा हूं, यदि इंकलाब नहीं आया, नहीं हमारी सजा हुई, तो शायद मजबूर होकर के मुझे कहना पड़ेगा कि ये चीज काबिले गौर नहीं है। और संजय आगे हमारे युवा नेता उससे बचाता उनको, लेकिन मेरे सामने आज चीन मोर्चे अनाउंसमेंट करे, मैं बस भी मर गया उसको था, लेकिन मुझे पता था कि ये सेंट्रल और यहां डिप्टी के आदमी जाते हैं, जयकारी लाने तो बहुत है। तो आप लोग जी करे थोड़े बड़े लिखे थे, थोड़ा सोचा करो, अब ये तो थोड़ी बात करेंगे, हम महाभारत की बात है, उसके बाद खत्म करूंगा। महाभारत में क्या सची चले गई थे जो धन के पास, अगर हम पास काम दे दे तो वहां खा लेंगे, सूरी मान गई तो घर तो वहां एक बात कही थी, कृष्ण ने आए थे जीवनी धरती पे, जीवन नहीं मन हो गया, ना माना दैयो तो महाभारत होगा। तो देखिए आप लोगों की दिमाग क्या नहीं मानी जाती है, तो क्या हो सकता है कि यहाँ दूसरा महाभारत जो अनुसूचित जनता जी का युद्ध समाज का ये यूनियन कुछ करेगी और करके दिखाएगी। जय भीम जय वाल्मीकि जय रविदास जय श्री कृष्ण।